देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 मार्च को झुंझुनू में प्रस्तावित यात्रा से पूर्व ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मामला भी मुस्लिम महिलाओं ने उठाया है। संभवतया यह देश में पहली बार होगा कि एक साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए 3 तलाक बिल का विरोध जताया है। 3 तलाक बिल के ऊपर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन पहली बार देश में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर हुआ है। यहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हाथों में 3 तलाक बिल का विरोध करने वाले स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थी और मौन रहकर महिलाओं ने इस बिल का विरोध जताया। एक साथ हजारों की संख्या में महिलाओं के सड़कों पर उतरकर विरोध जताने को देखने के लिए झुंझुनू शहर के लोग भी सड़कों पर आ गए। यही नहीं, पुलिस प्रशासन CID के लोग भी इस प्रदर्शन को देखकर सकते में है, क्योंकि किसी को भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी। लोकसभा में पारित किए गए 3 तलाक बिल की वापसी की मांग को लेकर सोमवार को झुंझुनू मुख्यालय पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रकट किया। झुंझुनू जिले की तमाम महिलाओं ने करबला मैदान से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक एक विरोध रैली भी निकाली। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ पुरुष भी मौजूद रहे। महिलाओं ने 3 तलाक बिल वापसी की मांग पर बोलते हुए बताया कि महिलाओं की सहानुभूति का नाम लेकर केंद्र सरकार व लोकसभा में पारित किए गए इस बिल के बदले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत कानून के खिलाफ केंद्र सरकार छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि इस्लामिक कानून के हिसाब से उन्हें पूरी आजादी है और वह शरीयत के कानून के खिलाफ छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं की इतनी ही हमदर्द है तो उनकी शिक्षा को लेकर और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर नई योजनाएं बनाए। इस तरीके से शरीयत के साथ छेड़छाड़ कर मुस्लिम समाज को आघात देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। सरकार जो मुस्लिम औरतों के तहफ़ुज़ के नाम पे जो बिल लेकर आ रही है, हम उसकी मुखालफत करने के लिए कि उससे मुस्लिम औरतों का तहफ़ुज़ नहीं हो रहा बल्कि मुस्लिम शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम मुस्लिम औरतें ही हैं जो इसके तहफ़ुज़ की जो इस शरीयत के तहफ़ुज़ के लिए आगे आई हैं ताकि वो इस बिल को न लाए। हमें हमारी शरीयत के हिसाब से, हम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, हमें हमारी शरीयत के हिसाब से रहने की पूरी आज़ादी देता है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हमें उसके साथ रहने की आज़ादी दी जाए। जो 3 तलाक के लिए जो बिल पेश किया गया है, लोकसभा से पास भी कर दिया गया है, राज्यसभा में जा रहा है, उसके खिलाफत में हम लोग ने ये रैली निकाली है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि वो राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन भेजें। इसी के साथ में ये जो 3 तलाक वाला बिल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तलाक पे बैन किया उससे हमें परहेज नहीं है, लेकिन दिक्कत हम लोगों को इस बिल से है क्योंकि इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। इसके अंदर जो खामियां हैं, उन खामियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें 3 तलाक नहीं लिखा गया, सिर्फ तलाक लिखा गया है। तलाक का मतलब कि सभी प्रकार के हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। एक तरीके से धर्म निरपेक्ष देश है हमारा और इसमें सभी समाज को अपने धर्म के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से कार्य करने की पूरी छूट है। तो देखा जाए तो ये जो बिल है ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का तो हनन है ही, साथ में संविधान का भी हनन है। वहीं मौलाना शौकत अली ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस्लामिक कानून एक आसमान से उतरा हुआ कानून है और आज तक मुसलमानों ने इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया है और न ही करने देंगे। अगर यह सरकार हमारे शरीयत के खिलाफ काम करती है तो वह मुस्लिम समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र होगा और इसके विरोध को लेकर आज राजस्थान के झुंझुनू जिले से मुस्लिम महिलाओं ने इसका बिगुल भी बजा दिया है। मुस्लिम महिलाएं जो कि हमेशा पर्दे में रहकर अपने कानून का निर्वहन करती है, वही महिला आज हजारों की संख्या में झुंझुनू की सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार का विरोध और 3 तलाक बिल वापसी की मांग कर रही है। हम जो है
इस्लाम भी तलाक के मुखालिफ नहीं है, तलाक का एक तरीका है, उसको दीजिए, लेकिन इस तरह से पाबंदी करना तीन तलाक पर, ये खुले तौर पर शरीयत में मुस्लिम परसलना में मुदाखलत है। इसलिए ये माँ बहनें और हम जितने ईमान वाले हैं इस बात को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मजहब इस्लाम में मुदाखलत हो। इसलिए कि इस्लाम जो है ये आसमानी मजहब है, दुनिया के किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। आज से अगर इसमें कोई तब्दीली होती या कोई कमी या खामी होती तो आज से 1450 साल पहले तो हो सकती थी, लेकिन कुरान पाक में खुद अल्लाह ने शहादत दी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुम इस्लाम दीना। इसलिए इस्लाम आसमानी मुकम्मल दीन है जिसमें हर तरह की ईमान वालों को, मर्दों को, औरतों को आजादी दी है। आज जो है ये मुस्लिम माँ बहनों के ताल्लुक से बिल पास हुआ था, इसलिए ये मुस्लिम माँ बहनें जो है मैदान में आई है और अपने इस आने से ये साबित कर रही है कि जो पार्लियामेंट जो बिल पास हुआ हम उसकी मुखालिफत करते हैं और हम अपने आप में इस्लाम में महफूज है, सुरक्षित है, आजाद हैं।